पटना वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मेट्रो का सपना साकार होने के लिए एक कदम और बढ़ा दिया गया है। पटना मेट्रो रेल परियोजना की डीपीआर को कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है। कैबिनेट की मुहर लगने के साथ ही इसे केंद्र सरकार के पास भेज दिया जाएगा। प्रोजेक्ट था बिहार का, खास करके पटना जो बिहार की राजधानी है उसको उन्होंने आज कैबिनेट अप्रूवल दिलाने का काम किया। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जो मंशा हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के है, वह कार्य जल्दी से जल्दी पूरा होगा। यह अभी तत्काल 17,000 करोड़ रुपया के लगभग यह परियोजना है और उसके बाद यह बनते बनते 30 से 35 हज़ार करोड़ रुपया का यह योजना होगी। नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 51 मामलों पर मुहर लगी, जिसमें बिहार स्टेट होल्डिंग कंपनी को बतौर सब्सिडी 299 करोड़ की राशि मंजूर की गई। इसके अलावा सरकार ने जेपी सेनानी सम्मान के लिए 7,52,00,000 की राशि का आवंटन किया। नीतीश सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के लिए 152,80,00,000 की राशि को भी मंजूरी दी है। मंगलवार को पटना में बिहार विकास मिशन के शासी निकाय की बैठक हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सभी मंत्री, विभागों को प्रधान सचिव और मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रशांत किशोर मौजूद रहे। इस बैठक में मुख्यमंत्री के साथ निश्चय को कैसे पूरा किया जाए, इस पर चर्चा की गई। पटना में मंगलवार को बिहार विकास मिशन की पहली बैठक हुई, जिसमें सीएम नीतीश कुमार के साथ निश्चय पर चर्चा हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सभी विभागों के प्रधान सचिव मौजूद रहे। बिहार विकास मिशन के संबंध में एक प्रेजेंटेशन दिया गया था कि किस प्रकार से इसका पूरा, इसके उद्देश्य क्या है, इसके किस तरह से इसका संगठनात्मक ढांचा होगा और किस प्रकार से कार्य होगा, इस पर चर्चा की गई थी। भारतीय सेना का कैप्टन शिखर दीप 6 फरवरी से लापता है। इनका अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। रेल पुलिस अपहरण का मामला दर्ज कर तफ्तीश में जुट गई है। कैप्टन शिखर दीप कटिहार में 6 फरवरी को महानंदा एक्सप्रेस में सवार हुए थे। मिर्जापुर में ट्रेन में एबी एक बॉगी को कोच अटेंडेंट ने उन्हें बेडरोल दिया, लेकिन उसके बाद शिखर दीप कहां गए ये किसी को पता नहीं। ऑल्दो उन्होंने कोऑपरेट किया और इस विषय में जो उस समय वहाँ हो सकता था वो मदद करी और उसके बाद वहाँ से सामान लेके मेरा भतीजा अपने घर चला गया और तब से लेकर आज तक हम हर जगह अपना अप्रोच कर रहे हैं, बट अभी तक उसके विषय में कोई भी सुराग मुझे नहीं मिल पाया है। IGIMS के छात्रों ने एक बैंक कर्मी की पिटाई कर दी, साथ ही गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की, जिसके बाद पूरे अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। अस्पताल में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। दरअसल IGIMS का एक छात्र अस्पताल परिसर में स्थित इलाहाबाद बैंक लोन लेने गया था, जिसके बाद काउंटर पर बैठे बैंक कर्मचारी से किसी बात को लेकर विवाद हो गए। इसी से गुस्सा में मेडिकल छात्रों ने अपने कई साथियों के साथ बैंक कर्मी की पिटाई कर दी। सहरसा के बैजनाथपुर गांव में दबंगों ने महादलितों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इस घटना में 10 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। घायलों में से 3 की स्थिति गंभीर बनी हुई है। इस घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। तनाव को देखते हुए गांव में पुलिस के आला अधिकारी कैंप कर रहे हैं। लाश जलाने लिए आए हैं। लकीर हम ज्यादा 20-25 आदमी से लेकर के हम लोग को यहाँ लाश जलाने में घटना में हम लोग को मारपीट किया है सर। गांव में शव के अंतिम संस्कार को लेकर हुआ चंदेश्वरी सदा की मौत के बाद महादलित उनका अंतिम संस्कार करने के लिए इकट्ठा हुए थे, तभी कुछ दबंगों ने उन्हें ऐसा करने से रोका। जब ये नहीं माने तो इन लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। महादलित परिवार के एक व्यक्ति की ये प्राकृतिक रूप से मौत हुई थी, उसको उन लोगों ने सौदा करने के लिए जिस भूमि पर लाया, शायद उस भूमि में पुरुष विवाद था,
इसी बीच में आपस में इन लोगों की लड़ाई हुई है। जैसे ही प्रशासन को इस बात की पता चली, प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की है, तब तक इन लोगों के बीच में जो मार हुई है उसमें से तीन लोग घायल हुए हैं और उन लोगों ने घायलों के साथ रोड जाम किया था, जिसके बाद प्रशासन ने आके उनको अविलंब जो है हॉस्पिटल में भेजा है, उनका प्रॉपर इलाज हो रहा है और आकर प्रशासन की देखरेख में लाश को यहाँ पे अभी अंतिम संस्कार कराया गया। भागलपुर में विश्वविद्यालय थाना के साहिबगंज चौक के पास दो लोगों को ऑटो से टक्कर लगने के बाद स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और उसने ऑटो चालक की पिटाई कर दी। पीटने के बाद लोगों ने ऑटो चालक को पुलिस के हवाले कर दिया। ये मोटरसाइकिल और टेम्पू में धक्का मारा, बहुत जोर से टेम्पू वाला मोटरसाइकिल वाले को धक्का मारा, नाली में चला गया, पूरा पैर फ्रैक्चर हो गया उसका। उसके बाद उसको ट्रीटमेंट के लिए हम लोग टेम्पू पर बैठा के भेज दिए। पिया हुआ था सर, सब कोई मिल के, पूरा ग्रामीण मिल के उसको पकड़ के हम लोग थाना में और दरोगा साहब को बुला के दे दिए। इंटरमीडिएट के छात्रों ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के बाहर सड़क जाम कर जमकर हंगामा किया। हालांकि पुलिस ने छात्रों को समझा बुझा कर जाम हटवाया। बता दें आपको कि बकाए वेतन की मांग को लेकर संविदा पर बहाल कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिसकी वजह से समिति में कामकाज ठप है, जिससे छात्रों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पटना नगर निगम के कर्मचारियों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। आजीवन पेंशन देने, 10 साल के ज्यादा सेवा कर चुके कर्मचारियों को नियमित करने सहित 20 सूत्री मांगों को लेकर निगम कर्मचारियों ने काम ठप कर दिया है। कर्मचारियों का कहना है कि फिलहाल हड़ताल 3 दिवसीय है, लेकिन मांगे नहीं मानी गई तो वो लोग अनिश्चित हड़ताल पर चले जाएंगे। बिहार में 11 फरवरी से बिजली संकट गहरा सकता है, क्योंकि नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन के तहत काम करने वाले 7,500 कर्मचारी अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर चले जाएंगे। हड़ताल को सफल बनाने की रणनीति को लेकर पटना में विद्युत कर्मी संघर्ष मोर्चा की एक बैठक हुई। पटना में स्कूटर्स ट्रेडर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने वैट बढ़ाए जाने के विरोध में धरना दिया और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पहले ऑटो पार्ट्स पर 5% वैट लगता था, जिसे सरकार ने बढ़ाकर 14.5% कर दिया है। दुकानदारों का कहना है कि वैट में एक बार में 3 गुना बढ़ोतरी की गई है, जबकि पड़ोसी राज्यों में ऑटो पार्ट्स पर टैक्स में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। इसका सीधा असर व्यापार पर पड़ेगा। बिहार में कपड़े पर 5% वैट लगाने का विरोध लगातार जारी है। पटना के खेतान मार्केट में कारोबारियों ने धरना दिया। कारोबारियों का कहना है कि 5% वैट बढ़ने के कारण कपड़ा बाजार में ग्राहकों की संख्या में कमी आई है, जिससे उनका कारोबार प्रभावित हो रहा है। बिहार सरकार ने ऑटो पार्ट्स पर 5% की दर से जो वैट था उसको अचानक बढ़ा करके 14.5% कर दिया, मतलब 3 गुना कर दिया, कि बंगाल और झारखंड दोनों में टैक्स अभी भी 5% है। तो आप देखेंगे कि जब यहाँ 14.5% हो गया, 10% का फर्क हो गया, तो कौन यहाँ से खरीदेगा। जी मीडिया की खबर का असर हुआ है। एमआरपी से ज्यादा वसूले जाने की खबर दिखाए जाने के बाद सरकार हरकत में आई है। बिहार के खाद्य उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने कार्रवाई का भरोसा दिलाया है, साथ ही उन्होंने इसके लिए जी मीडिया को धन्यवाद भी दिया। ये बहुत अच्छा पहल है लोगों को, अभी तो महंगाई का दौर है तो इससे ही सारे सामान का कीमत बढ़ रहे हैं, उस पर से अगर कोई नाजायज कीमत लेते हैं तो ये तो सरासर गलत है। आपने अगर इस मुहिम को चलाया है तो इसके लिए हम लोग को भी यह बात संज्ञान में आया है और आपकी इस मुहिम से हम लोग को जानकारी मिलती है, इसके आधार पर हम लोग कार्रवाई करते हैं, तो इसके लिए हम तो आपको धन्यवाद देते हैं। एमआरपी स्टिंग मामले में रेलवे प्रशासन ने भी कड़ा रुख अख्तियार किया है। जी मीडिया की खबर के बाद पटना जंक्शन पर स्टॉल प्रबंधक ने स्टॉलों पर जाकर सामानों के दाम की पड़ताल की, साथ ही आगे भी जांच का भरोसा दिया। 13 फरवरी को होने वाले हरलाखी विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज हो गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री और आरएलएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए उम्मीदवार सुधांशु शेखर के लिए वोट मांगा। इस दौरान उन्होंने बिहार सरकार पर जमकर निशाना भी साधा।
पौने दाम पर आप धान बेचने को मजबूर हैं। भारत सरकार पैसा दे रही है, उसके बावजूद राज्य की सरकार धान ठीक से नहीं खरीद पा रही। सुशासन सुशासन की बात रोज होती है, लेकिन कितनी हत्याएं हुई, रोज हत्या फरण लूट की घटनाएं। पटना में जिलाधिकारी ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक बैठक की। इस बैठक में एसएसपी, एसपी, डीएसपी, एसडीपीओ समेत सभी थानाध्यक्ष शामिल हुए। बैठक में आने वाले दिनों में सरस्वती पूजा और होली के दौरान सुरक्षा के साथ इंटर और मैट्रिक की परीक्षा को कदाचार मुक्त रखने पर भी चर्चा की गई। बिहार शरीफ के हिरण्य पर्वत छात्र हत्याकांड मामले में सजा का ऐलान हुआ है। व्यवहार न्यायालय के एडीजे राजेश कुमार ने दो आरोपियों में से एक लाला चौरसिया को फांसी, जबकि शंकर मिस्त्री को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एक जून 2014 को बिहार शरीफ में होने वाले पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए पूर्णिया के छात्र राहुल, प्रेम कुमार, समरजीत और राहुल यहां आए थे। 31 मई की रात में वो हिरण्य पर्वत पर ठहरने के लिए गए थे। इसी दौरान आरोपियों ने लूटपाट का विरोध करने पर दो छात्रों को पहाड़ से नीचे फेंक दिया था, जिसमें दोनों की मौत हो गई थी। गया पुलिस ने शटर कटवा गिरोह का पर्दाफाश किया है। गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर पुलिस ने गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से भारी मात्रा में हथियार और 7 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। के आधार पर जो छापामारी हुई है, उसमें शटर काट करके दुकानों में चोरी करने वाला जो है गिरोह, उसका उद्भेदन हुआ है, बरामद हुआ है। इसमें 2 रेगुलर राइफल, 1 रेगुलर 1 नाली बंदूक, 1 सिक्सर, 1 देशी कट्टा, शॉर्ट हैंड कार्बाइन, इंसास का जिंदा गोली, 12 बोर का गोली, 303 का गोली। बिहार शरीफ के बिहार थाना इलाके के खंदकपुर मोहल्ले से लापता पीजी के छात्र अमित का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। बता दें आपको कि 7 फरवरी से अमित लापता है। अमित के परिजनों ने बिहार थाने में बेटे के लापता होने का मामला दर्ज कराया है। मामला दर्ज कराने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। पुलिस ने जल्द ही मामला को सुलझा लेने का दावा किया है। नालंदा के गिरियक में नाबालिग छात्रा को बेचने और रेप का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक महिला ने अपने पड़ोस में रहने वाली नाबालिग छात्रा को बहला फुसला कर गिरियक ले गई और फिर उसे 30,000 रुपए में एक शख्स को बेच दिया। नाबालिग के साथ शख्स ने 2 दिनों तक दुष्कर्म किया। छात्रा किसी तरह उसके चंगुल से निकलकर घर पहुंची और अपने परिजनों को आपबीती सुनाई, जिसके बाद परिजनों ने महिला थाना में मामले को दर्ज कराया। पुलिस पीड़ित की मेडिकल जांच के बाद जांच में जुट गई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी महिला पहले भी सेक्स रैकेट मामले में कई बार जेल जा चुकी है। अररिया में करीब 5 करोड़ रुपए के खाद्यान्न घोटाला का मामला सामने आया है। डीएम हिमांशु शर्मा के निर्देश के बाद एसएफसी विभाग के अधिकारियों ने जिले के 2 गोदामों का जांच करवाया। जांच में अररिया आरएस और रानीगंज के 2 गोदामों में 15,000 क्विंटल कम अनाज पाया गया, जिसकी कीमत करीब 5 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। इस बाबत डीएम हिमांशु शर्मा ने दोनों गोदामों को सील कर प्रबंधकों पर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। बक्सर में अवैध शराब फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। उत्पाद विभाग की टीम ने नगर थाना इलाके के एक निजी मकान में छापेमारी की, जहां से भारी मात्रा में तैयार अवैध शराब, रैपर और स्टिकर्स बरामद हुए हैं। साथ ही शराब पैकिंग की 2 मशीनें भी जब्त की गई हैं। इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। छानबीन में पता चला है कि कुछ दिन पहले ही यहां अवैध शराब बनाने का काम शुरू हुआ था। उत्पाद विभाग के अधिकारी के मुताबिक 1 अप्रैल से शराबबंदी के ऐलान के बाद कई शराब कारोबारी अवैध तरीके से शराब बनाने का काम कर रहे हैं। नालंदा में एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती कराया गया। हादसा दीपनगर थाना इलाके में नेशनल हाईवे पर हुआ। बाइक पर सवार 3 लोग बिहार शरीफ के हाजीपुर मोहल्ले के रहने वाले थे।
रांची विनय मर्डर केस में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक महिला टीचर की बेटी से विनय की दोस्ती थी, जो इसके भाई को नागवार गुजरी और उसने विनय की हत्या कर दी। इस मामले में चार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। छात्र विनय मर्डर मामले को लेकर विनय के गांव चंदाघासी के लोगों ने आज रांची बंद बुलाया है, जिसका कई संगठनों ने समर्थन भी किया है। रांची में आक्रोशित लोगों ने मंगलवार को तुपुदाना थाना का घेराव किया, साथ ही घटना की सीबीआई जांच कराने की मांग की। रांची के निजी स्कूल में छात्र विनय की इंसाफ दिलाने के लिए अभिभावक संघर्ष मोर्चा ने न्याय यात्रा निकाली। बिरसा चौक पर अभिभावक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले रांची के सैकड़ों अभिभावकों ने कैंडल मार्च निकाला। मंगलवार को रांची के प्रोजेक्ट भवन में सीएम रघुवर दास की अध्यक्षता में कानून व्यवस्था और क्राइम कंट्रोल को लेकर समीक्षा बैठक की गई। इस दौरान सीएम ने पुलिस अधिकारियों को तय समय सीमा के भीतर लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करने का निर्देश दिया। बैठक में सीएम ने कोयले का काला कारोबार, जमीन की दलाली और अपराधियों को संरक्षण देने में दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। रांची में सीएम की अगुवाई में कानून व्यवस्था को लेकर की गई पुलिस की बैठक को चेयरमैन महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बेकार की बैठक करार दिया है। ये लेवल क्या है हमको नहीं समझ में आता, क्योंकि जब खासकर गृह विभाग का ही जब आईक्यू लेवल ही इतना डाउन है, तो किसको लेके हाई लेवल में बात करेंगे हमको समझ में नहीं आता। हम लोग हाई लेवल मीटिंग करेंगे तो ये सब फालतू इरेलेवेंट चीजें हैं, केवल और केवल लोगों को बेवकूफ बना रही है, काम का काम कुछ नहीं हो रहा। आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो ने सरकार से प्रदेश में ओबीसी आरक्षण का सीमा 14% से बढ़ाकर 27% करने की मांग की है। सुदेश महतो की इस मांग पर जेएमएम ने निशाना साधा है और कहा है कि आजसू की इस मांग को वो भी गंभीरता से नहीं लेते। आजसू का ये चरित्र रहा, इसके पहले भी जब दो विधायक हुआ करते थे तो मधु कोरा जी के सरकार में चंद्रप्रकाश जी मंत्री हुआ करते थे और सुदेश जी विपक्ष में बैठते थे, तो केवल और केवल सत्ता से अनैतिक ढंग से धन प्राप्त करके संगठन को बचाए और बनाए रखना उनका उद्देश्य है। धनबाद के राजापुर ओपन कास्ट माइन से लगातार जहरीली गैस का रिसाव हो रहा है। गैस रिसाव की वजह से आसपास के लोग दहशत में हैं। हालांकि बीसीसीएल की रेस्क्यू टीम मिट्टी भराई के काम में जुटी हुई है। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने बीसीसीएल प्रबंधन से सुरक्षा की गुहार लगाई है और सुरक्षित जगह पर बसाने की मांग की है। उनका कहना है कि आए दिन भूधसान और जहरीली गैस रिसाव की समस्या से उन्हें दो चार होना पड़ता है। जमशेदपुर में परसुडी थाना के घागी डीह बाल सुधार गृह से चार बाल कैदी फरार हो गए। ये सभी बाल कैदी दीवार फांदकर भाग निकले। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने पहुंचकर पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी। चार कैसे पकड़ने का प्रयास कैसे किया है? कैसे पकड़ने का प्रयास किया? हवलदार साहब मेरे को ले जाकर दिखाया तब ना हम देखे जाके, हम बाहर में हम कैसे देखेंगे। अच्छा, आपको पता कैसे चला कि भाग गया है? हाँ, वो हल्दार साहब मेरे को जाके दिखाया कि देखो यहाँ फंसा के ऐसा करके हम लोग भागा है। अच्छा, पहले ही भागा था ना? पहले तो ये लोग बाल कैदी है। बाल कैदी है। एक बार फिर से जी पुरवैया की खबर का असर हुआ है। लातेहार के उत्क्रमित मध्य विद्यालय विश्रामपुर स्कूल को भाड़े पर लगाने के मामले में कार्रवाई हुई है। जिला शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने पूरे मामले की जांच की और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। जीपुर भैया ने दिखलाया था कि कैसे लातेहार जिला के विश्रामपुर गांव में स्कूल भवन को शिक्षक ने किराए पर लगा दिया है। जहां बच्चों को बैठकर पढ़ना था, वहां एक निजी कंपनी का टावर लगा हुआ है, जिससे स्कूल में पढ़ाई बाधित हो रही है। अधिकारियों ने कहा है कि जहां आरोपी शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, वहीं मोबाइल टावर कंपनी के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। लकड़ है, छड़ है, रॉड है और अन्य बहुत तरह के सामान उसमें भरा हुआ है ना। जांच में सही पाया गया है और
अब यहाँ से जाने के बाद उसको उस पर कार्रवाई होगी। सियाचिन में एवलांच के बाद आर्मी के लांस नायक हनुमान नाथ थप्पा को रेस्क्यू ऑपरेशन के 6 दिन बाद 25 फीट बर्फ के नीचे से जिंदा निकाल लिया गया है। उन्हें दिल्ली के आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मंगलवार को जवान से पीएम मोदी ने भी मुलाकात की, साथ ही जवान की सलामती की कामना भी की। बता दें आपको कि 3 फरवरी को एवलांच में एक जेसीओ समेत 10 सोल्जर्स का ग्रुप बर्फ के नीचे दब गया था। घटना के बाद से ही आर्मी रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही थी। पहले यह माना जा रहा था कि सभी जवान शहीद हो गए हैं। मंगलवार को मुंबई हमले में पाकिस्तानी अमेरिकी आतंकी डेविड कोलमैन हेडली की गवाही हुई। गवाही में हेडली ने बताया है कि वो साल 2006 में पहली बार भारत आया था और तो होटल ताज में ही रुका था। हेडली ने मुंबई में कई टारगेट आइडेंटिफाई किए हैं और उनका वीडियो बनाया है। तब डिफेंस साइंटिस्ट की होटल ताज में होने वाली एक कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाया गया था। इसके लिए होटल का डमी पाकिस्तान में तैयार किया गया था। डेविड हेडली ने आज कई बातों पे खुलासा किया है। पहला खुलासा इसने किया है कि लश्कर ए तोयबा और आईएसआई इनकी एक साठगांठ थी, और इतना ही नहीं तो आईएसआई लश्कर ए तोयबा को मॉरल, मिलिट्री और फाइनेंशियल सपोर्ट करती है, ये भी बात उसने कही। आम आदमी के सपनों के घर को लेकर एसएल ग्रुप ने आशा 2022 नाम से हरियाणा के पंचकुला में एक स्कीम लॉन्च की है। चंडीगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में एसएल ग्रुप के यूआईबी प्रेसिडेंट सुरेश भंडारी ने यह स्कीम लॉन्च की। स्कीम में 1521 रुपए प्रति स्क्वायर फीट की सस्ती दर से घर उपलब्ध कराया जाएगा। ये पहला प्रोजेक्ट है जिसमें हमारे करीब 800 घर बनेंगे और जो हम लोग 3 साल में डिलीवर करेंगे, बट आने वाले कुछ कुछ महीनों के अंतराल में हम लोग नए प्रोजेक्ट्स भी अनाउंस करते जाएंगे। सो दैट हम लोगों ने जो कमिट किया है अपने चेयरमैन को और देश के शीर्ष नेतृत्व को कि हम ये हम इतना डिलीवर करेंगे हम उसको। भारत और श्रीलंका के बीच T20 सीरीज का दूसरा मैच 12 फरवरी को रांची में खेला जाएगा। रांची में इस पहले इंटरनेशनल T20 को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में दीवानगी देखी जा रही है। मैच देखने के लिए लोग टिकट खरीदना शुरू कर दिए हैं। टिकट काउंटर पर जबरदस्त भीड़ देखी जा रही है।